अव्यंजन संधि, कौन सी संधि? अव्यंजन संधि। मैंने क्या बताया था, जिस भी शब्द के ऊपर क्या है बेटा, जिस भी शब्द के ऊपर क्या है, बिंदी आए, और बिंदी आएगा तो कौन सी संधि? अव्यंजन संधि। और संधि में सम प्लस धी, धी का अर्थ क्या बताया था आपको, धारण करना। क्या करना बेटा? धारण करना। फिर मेरे को बताइए बेटा, संधि के भेद कितने बताए थे आप लोगों को? कितने? कितने बेटा? तीन। पहला कौन सा? पहला बेटा कौन सा? दूसरा और तीसरा विसर्ग संधि। तीसरा बेटा विसर्ग संधि। इसके बाद बताए बेटा स्वर के कितने भेद बताए मैंने? स्वर के कितने भेद बेटा? पांच। स्वर के कितने भेद? कितने? पहला कौन सा? दीर्घ संधि। पहला आपका बताया था दीर्घ संधि। फिर इसके बाद दूसरा कौन सा? गुण संधि। फिर तीसरा अवरधि संधि। और फिर बेटा यण संधि। कौन सा? और फिर अयादि संधि। कौन सी बेटी? अयादि संधि। ध्यान से देखना बेटा, स्वर के कितने भेद? पहला आपका दीर्घ, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। अब देखो दीर्घ खुद बोला कि मैं बड़ा तो मेरे में आने वाले भी। दीर्घ क्या बोलता है? मैं बड़ा। दीर्घ खुद बोला कि मैं बड़ा। दीर्घ का अर्थ क्या होता है बेटा? बड़ा। दीर्घ का अर्थ क्या होता है? बड़ा। दीर्घ खुद बोला कि मैं बड़ा तो मेरे में भी आने वाले क्या होंगे? बड़े। जिसमें भी क्या है? बड़ा आए, बड़ी ई आए, बड़ा क्या आएगा? बड़ा आए, बड़ी आए, बड़ा ओ आए। अब देखो बेटा गुण की पहचान क्या होती है इंसान में। आजकल इंसान है ना, सारों में गुण अच्छे है ही नहीं। वास्तव में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है कि जिसमें अच्छा गुण हो। भी आप में अच्छा गुण है क्या? बिल्कुल ही नहीं। पता है आपकी घर पे इज्जत कितनी है? हाँ, आपको जब है ना, आपकी इज्जत बता दूं क्या होता है, जब चप्पल लानी होती है ना तब पूछते हैं बेटा चप्पल कितना नंबर लानी है तेरे का, मतलब जूतों की तरह इज्जत है हमारी। ठीक है ना, घर पे अपनी जूतों की तरह, चप्पलों की तरह इज्जत है हमारी। तो अरे इधर आजा, इधर आजा, इधर आजा, इधर आजा, राजा इधर आजा। ठीक है ना, तो समझ ले। तो ध्यान से दे बेटा, भी क्या है कि घर पे इज्जत नहीं है आप लोगों की बोली, लेकिन बेटा आप जिस दिन जॉब लग गए, क्या लग गए? जॉब लग। आप में कौन सा गुण आ गया? एक है अच्छा नौकरी वाला, सरकारी नौकरी वाला। अर्थात आप में गुण कितना है अबे? तो आपकी घर पे पूछोगी, रिश्तेदारों में पूछोगी, कोई रिश्तेदार आएगा कि ओ छोरो थारो है, हमारी भी छोरी है, तब क्या होगी आपकी इज्जत होगी। मतलब क्या होगा, आप में अब कौन सा गुण आ गया? अच्छा सरकारी नौकरी वाला। तो गुण खुद बोलता है जिसमें भी कितना गुण आ जाए, एक अर्थात कितनी मात्रा आ जाए, जिसमें भी कितनी मात्रा, एक मात्रा, जो भी शब्द दिखे एक मात्रा, कौन सी संधि। अब देखो बेटा दीर्घवर्धि क्या बोलता है, वर्धि क्या बोलता है? वर्धि बोलता है कि जैसे कि मैं प्रेजेंट टाइम सिंगल हूं, और जैसे ही मेरी लुगाई आई मैं एक से कितना हो गया, तो मेरे में क्या हो गई, मेरे में क्या हो गई, वर्दी। तो मैं एक से कितना हो गया, एक से कितना हो गया, कितना कितना, एक से कितना वर्दी, कब हुई जब कितने हो गए, दो हो गए। अर्थात कितनी मात्रा, अर्थात कितनी मात्रा बेटा, जिस भी शब्द में कितनी मात्रा दिखे, कौन सी संधि। अब देखो यण खुद बोलता है, यण खुद बोला या 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 से पहले क्या है, यण खुद बोला कि यारा लाया से पहले क्या है। अब यण खुद बोला, क्या बोला कि यारा लाया से पहले क्या है, आधा है। यण खुद बोल रहा है कि यार अलावे से पहले क्या है, या 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 यार अलावे से पहले क्या है, आधा है। यार अलावे से पहले क्या है, आधा है। यहां ले बेटा मैं साथ में इसलिए लिखता हूं क्योंकि आपकी कौन सी अंतस्थ व्यंजन या